बिहार में जो पैक्स चुनाव है वो अपने जोरों पर है, और तीसरा चरण का जो चुनाव है वहां मैरवा, गुठनी, दरौली और जीरादेई, ये चार प्रखंडों में तीसरे चरण में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं अपना अपना जोर लगा रहे हैं। हम पहुंचे हैं मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत में, इंग्लिश पैक्स पंचायत में पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, और उसी संदर्भ में ये गुलरबागा गांव है। हमारे साथ मौजूद है सुरेश या चौधरी जी जो कि पैक्स प्रत्याशी हैं, तो इनसे जानेंगे कि इंग्लिश पंचायत में पैक्स का क्या समीकरण है, और जो वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो कौन कौन से काम किए हैं, और उनके कौन से काम को लेकर आप जनता के बीच में आए हैं। पैक्स से मैंने काम कौन सी किए हैं, काम के मामला में वो किसी को पारदर्शी नहीं किए हैं, ना किसी किसानों को बताए हैं कि ये आ रहा है, चाहे धान खरीदते हैं चाहे नहीं खरीदते हैं, चाहे पैक्स का क्या थी है काम का दायरा है, ये सब चीज किसानों को बताना चाहिए। देखिए, किसान को ज्यादा चीज समझ में नहीं आता है, उसको समझ में आता है कि धान उसका खरीदा जाता है कि नहीं। किसान का आप नहीं खरीदा जाता है, हमारे यहाँ नहीं खरीदा जाता है धान। अच्छा, वही हम लोग किसी किसान से पूछिए, उन लोग धान बेचे हैं पैक्स में, नहीं बेचे हैं, धान नहीं खरीदते हैं, ना कभी नहीं खरीदते हैं। आई जो खादर बीज, खादर बिया जो भी है, खाद बीज, वो मिलता है कि नहीं मिलता है? खाद बीज किसानों से पूछिए ना, किसी किसान से पूछिए कभी वो खाद बीज किसी को दिए हैं, वो तो यही कहते हैं कि खाद बीज आता है तो सरकार का रेट ज्यादा रहता है और मार्केट में कम रेट में मिलता है तो लोग वहां से खरीद लेते हैं। अच्छा, ये वो समस्या आता है कि बहुत सारे पैक्स में कृषि यंत्र के रूप में सरकार ट्रैक्टर दी है, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी। आपके यहाँ है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर का कहीं कोई पता नहीं है, किसी भी किसान से जाके पूछिए, पूरे पैक्स के लोगों से पूछिए, कहीं ट्रैक्टर है दिए हैं दिखाए हैं, कहीं नहीं दिखाए हैं। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं इस पंचायत से, तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल समस्या आ रहा है कि जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में है वो केवल अपने आदमी का ही नाम जोड़ते हैं। आपके पंचायत में क्या है? कोई भी जीतेगा सर तो वो अपने पक्ष के लोगों का नाम जोड़ेगा। हम जोड़ने में ये जरूरी नहीं है कि जिसका नाम हम जोड़ रहे हैं वो हमारे गुलाम बन के रहेंगे, हम जो चाहेंगे उनसे ही वही करवा लेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है, जिसका नाम आप जोड़े हैं वो भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, अध्यक्ष पद संभाल सकता है, उसके अंदर भी क्षमता है। तो ये बताइए कि आप चुनाव में आए हैं तो आपका क्या माने रोल है, आपके अगर बबनौली थी इंग्लिश पंचायत की जनता आपको चुन के भेजती है तो क्या क्या किसानों को क्या क्या करें? जो भी पैक्स के दायरे में सरकार द्वारा जो भी पैक्स के दायरे में उसके अंदर में उसके अधिकार में जो भी चीजें आएगी सब जनता के सामने पारदर्शी होगा, एक एक जनता के कानों तक वो आवाज सरकार की पहुंचेगी कि मेरे लिए ये सब काम माने ये योजना चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। 29 तारीख को चुनाव होना है, स्थिति भी काफी आपका बढ़िया है, आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, जनता को ये बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, कितने नंबर पर है, और जनता से क्या अपील करें? जनता से हम यही पर करके कि सुरेश यादव मेरा नाम हुआ, मेरा लेबरी घर हुआ, पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के हम प्रत्याशी हैं, और पूरे पैक्स की जनता से, पूरे पंचायत की जनता से हम आग्रह नमन करते हैं कि इस बार इस माने पद को बदला जाए और माने हमको वोट देकर पुल छाप पर अपना मूल्य वोट देकर हमको विजयी बनाएंगे। कितने नंबर पर है आपका? 5 नंबर पर है। 5 नंबर पर जी, पुल छाप जी। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। सुरेश यादव, लेभरी घर हुआ मेरा, और इंग्लिश पंचायत पैक्स से हम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और 5 नंबर पर मेरा पुल छाप चुनाव निशान है। पूरे पैक्स की जनता से हम आग्रह यही करेंगे कि हमको पुल छाप पर अपना अमूल्य वोट देकर हमको विजयी बनाए, बस यही कहेंगे। और इसके बाद यही कहेंगे कि जय लोकतंत्र, जय बिहार, जय पैक्स की जनता, जय किसान, और जय भीमराव अम्बेडकर, जय फुले बाबा। चलिए, तो यहाँ देखिए कि इनके साथ समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, युवा वर्ग के भी लोग हैं, तो ये बताइए कि आप चौधरी जी के साथ घूम रहे हैं क्यों, माने ये जीतेंगे तो जनता का काम करेंगे? जी, पूरा विश्वास है जी। वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष है वो तो सर देखिए 3-4 बार रहे हैं, और किसानों के लिए क्या योजना आता है आज तक 2-4 वो आदमी को छोड़कर जो उनके इर्द गिर्द है, किसी किसान को पूरे पंचायत में
क्या योजना है सरकारी योजना किसानों के लिए, किसी को पता ही नहीं चलता है। अच्छा, किसी को बताते ही नहीं है? दो चार आदमी को बचाते हैं जी, जो इनके अगल बगल इर्द गिर्द जो लोग रहता है, मतलब खास बात जी जी जी। और बाकी किसानों को, छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, ना खाद है ना बीज है। अच्छा, किसान आप है तो धान खरीदते हैं? वो दो चार आदमी का खरीद लेते हैं इन्हें गिने लोगों का, लेकिन बाकी किसानों को कोई किसी का धान नहीं खरीदते हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए। सुबालाल यादव। सुबालाल यादव जी। चलिए, तो युवा लोग है, सबसे पहले ये बताइए वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी नाम है जी? नहीं नहीं है ना, तो ये पैक्स अध्यक्ष से कहते नहीं है कि हमारा नाम जोड़ दीजिए? वो जोड़ते नहीं है तो क्या करें हम, 18 बरिस पूरा हो गया है जी, 21 बरिस हो गया है। 21 किसान है आप, खेती है आपके पास? जी, मेरे बाप दादा खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। तो मानिए जो जानता है इंग्लिश पंचायत की, युवा है आप, तो नाम तो नहीं है, लेकिन क्या अपील करेंगे जनता से? अपील यही करेंगे कि बदलाव किया जाए, कोई भी सरकार हो बदलाव के बिना आगे नहीं बढ़ेगी, काम नहीं करेगी। तो परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। ये जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनसे खुश नहीं है? नहीं। नाम बता दीजिए। सिद्धार्थ यादव। चलिए, और युवा है, नाम है आपका? नहीं भैया, नाम आपका भी नाम नहीं है? नहीं नहीं, नाम नहीं है, बस वो गिने चिने अपने जो लोग हैं उनका नाम देते हैं और किसी का नाम नहीं देते हैं। अच्छा, तो जनता से क्या कहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि इस बार हम लोगों को भारी मतों से विजयी बनाए और हमको मौका दें अपना सेवा करने के लिए। कहाँ चुनाव चिन्ह है? फूल छापे 5 नंबर पर, सुरेश यादव। सुरेश यादव जी जी। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर काफी युवा वर्ग के लोग हैं, लेकिन ये भी विडम्बना है कि जिनके घर खेत है, जो किसान के श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है इस पंचायत में। तो निश्चित तौर पर एक बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये जो गुलरबागा के युवक हैं। अब देखना ये होगा कि 29 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं उनको अपने पद से हटाती है कि नहीं।